बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंशाल्लाह आप खैरियत से ही होंगे, जहाँ भी हो मेरी दुआ है कि आपको खुदा खुशोखुर्म रखे। आज मैं बिरयानी बनाने लगी हूँ। ये चावल हैं, ये घर में ही पड़े थे क्योंकि बाप तो जा नहीं सकते। ये बासमती थोड़ी छोटी है और ये 5 गिलास चावल है और ये 3.5 किलो मुर्गी है और ये कटे हुए टमाटर हैं 4 और वो बिरयानी मसाला साथ ही रखा हुआ है और 2 बड़े प्याज मैंने काट के मैंने रख दिए हैं पतीले में। तो अब मैं इनको सर्व करती हूँ। इंशाल्लाह दुआ करें अल्लाह ताला हमें इस मुझे मरद से तना दें और हम इंशाल्लाह इसके साथ डट के लड़ेंगे। हम मुसलमान हैं, इतनी कमज़ोर कौम नहीं है। अल्लाह पाक हम पे रहम करें। चलो ये वक्त भी गुजर ही जाएगा इंशाल्लाह। अब ये मैं मुर्गी डालने लगी हूँ। माशाल्लाह अभी बिना नमाज के घर में अदा करनी है इंशाल्लाह। नाज़रीन ये चावल मैंने 20 मिनट पहले भिगो के रख दिए थे ना, तो अब मैं पानी उबल चुका है, अब मैं ये चावल डालने लगी हूँ। आप देखें ये मुर्गी मेरी तैयार हो चुकी है। अब मैं चावलों में इसको ऐड करने लगी हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखें चावल मेरे अच्छी तरह हो चुके हैं। अब मैंने मुर्गी डाल देनी है, फिर मैं इनको दम लगाने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं ये मुर्गी चावलों पे डाल चुकी हूँ। अब मैं ये ढक्कन लगा के इसे दम देती हूँ। बस थोड़ी देर में 20 मिनट के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें नाज़रीन बिरयानी मेरी स्पाइसी तैयार हो चुकी है, तो मज़े की लगती है क्योंकि आजकल तो चीज़ें जो घर में पड़ी हैं वो ही पकाते हैं। कोई चावल नरम गर्म ही थे, अल्लाह मालिक है। तो अगर मेरे चैनल को पहले जिसने सब्सक्राइब नहीं किया अब सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के बटन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिले। चलो नाज़रीन अल्लाह हाफिज़, खुदा रहम करे हम लोगों पर।